टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोग स्कूल की फीस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, मगर उनकी सहायता कौन करेगा। स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है कि फीस दो और रिजल्ट लो। 3 महीने की फीस लोग माफ़ करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये बेबस लोग 3 महीने की फ़ीस कैसे भरेंगे। हालांकि इंस्टॉलमेंट पर फीस जमा कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फीस अपनी जमा भी कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी से काफ़ी परेशान थे और अभी तक उनके घरों की स्थिति नहीं सुधर पाई है। तो आखिर में ऐसे में ये पूरी फीस जमा कैसे करेंगे, और स्कूल की तरफ से इन्हें कहा जा रहा है कि आप पहले फीस जमा करें, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इस पूरे मसले पर एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। शमीम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहार टाइम्स में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद भी आप लोग 3 महीने की फीस माफ नहीं करा पा रहे हैं। इस्लामुद्दीन साहब, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से हमारी बात इसके बारे में तकरीबन अब से 10 दिन के पहले हुई है, और हमने उनसे ये विनती किया है कि हमारे शहर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जो महामारी के हालात है, उस हालात के अंदर हमारा मुमरा शहर कलवा विधानसभा जो आता है, यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं पाई जा रही हैं। जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज की मनमानी, यानी कुछ लोगों की मनमानी जो चल रही है, जैसे कि अगर बच्चे का एडमिशन करना है तो उनको 50,000 डोनेशन चाहिए, उनको 25,000 डोनेशन चाहिए। इस तरीके से जो लॉकडाउन की पोजीशन हुई है और आज की हालात भी सुधरी नहीं है, कहीं ना कहीं लोग आज भी बहुत परेशानी हालात में हैं, और जब कारोबार नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई ऐसा इनकमिंग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आवाम परेशान है। इन हालात को देखते हुए हमने हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से बात किया है, और हमारे मिनिस्टर साहब ने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से बात की है, और कि कम से कम ये जो पीरियड गया है 3 से 4 महीने का, और जो आज के हालात है उसमें कहीं ना कहीं फीस को लेकर के स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल जो भी उसके ओनर्स हैं वो इसके अंदर रियायत करें, कंसेशन करें, और जो डोनेशन देते हैं। लेकिन शमीम भाई, आप कह रहे हैं कि स्कूल की मनमानी है, तो आखिर इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, कौन रोकेगा आखिर इस मनमानी? बेशक हमारे नगर सेवक हैं, हमारी संगठन है, और उसके साथ साथ में हम लोग हैं, तो ये जो आज हमारी आपसे बात हो रही है ये बहुत ही चर्चे का विषय है शहर में इस्लामुद्दीन साहब, क्योंकि हमारे पास डेली कॉलिंग आती है, कॉल आते हैं, लोग बातें करते हैं, और हमारी बहनें परेशान होती हैं कि शमीम भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम किस तरीके से बच्चों की फीस अदा करें, जबकि आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, टीचर घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन के ज़रिए। शमीम भाई, आप ऑनलाइन कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लोगों के पास 600 रुपये 700 रुपये फीस जमा करने को नहीं है, तो ऐसे में ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वाईफाई का रिचार्ज, नेट का रिचार्ज, मोबाइल डाटा कैसे, वो जब फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं तो वो कैसे रिचार्ज कराएंगे, कैसे वो पढ़ाएंगे? देखिए इस्लामुद्दीन साहब, शमीम भाई, हमने न्यूज़ चलाई है मुमरा इंग्लिश हाई स्कूल की, वहाँ पर जो महिलाएँ हैं, जो बच्चों की माँ है, उनका साफ कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी फीस माफ़ की जाए। तो क्या आप लोगों की सरकार है, क्या फीस माफ़ करेंगे आप? देखिए, ये जो आपने कहा फीस माफ़ करने की बात, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर साहब या हमारे मंत्री जी ही इस पे डिसीजन नहीं, नहीं, आप हैं। आप लोग सरकार में हैं, हाँ, तो आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर से मांग कर सकते हैं। देखिए इस्लामुद्दीन साहब, हमारे ज़रिए से हम लोकल के अंदर जो स्कूल कॉलेज है उनके प्रिंसिपल से, उनके जो भी डीन हैं, जो भी उसके हेड हैं, हम उनसे आपके माध्यम से ये विनती करते हैं कि आज के हालात को देखते हुए आप लोग ये जो डोनेशन ले रहे हैं, ये डोनेशन लेना बंद करें, और बच्चों को एडमिशन लें फ्री ऑफ डोनेशन,
और उनके साथ में उनके परिवार के लिए मदद करें और उनके लिए जो है आप जो उनकी फीस वगैरह है उसमें कंसेशन करें, इस तरीके की हम उनसे मांग करते हैं। लेकिन इस्लामुद्दीन साहब, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, आज के चार दिन के पहले का एक वाकया है मुमरा कौसा का। वो वाकया इस तरीके से है कि एक हमारी बहन आती है हमारे पार्टी ऑफिस में, और हमारे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौसा ये इनके पास आती है और इनसे मुलाकात करती है और कहती है कि हमारे शौहर विकलांग हैं, हमारे शौहर किसी कायक यानी काम धंधे के लायक नहीं है भाई, और शमीम खान से हमारी बात कराओ और हमारे बच्चे की फ़ीस माफ़ कराओ। जावेद शेख मेडिकल ने मुझे कॉल किया और पूरी जानकारी दी। उसके बाद मैंने असदुल्ला खान सर यानी जो असदुल्ला खान कॉलेज है चाँद नगर में, मैंने सर को फ़ोन किया और मैंने कहा सर इस तरीके की एक बहन है वो बहुत परेशानी हालत में है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असदुल्ला खान सर को कि असदुल्ला खान सर ने मेरी आवाज़ को सुनी, मेरे दर्द को सुना, उस बहन की आवाज़ को सुनी, उस बहन के दर्द को सुना और उस बहन की पूरी फीस माफ़ कर दी पिछले तीन महीने की यानी जो गुज़श्ता साल में हुआ है। शमीम भाई आपको मुबारकबाद, पूरा मुमरा शहर देगा। जितने मुमरा शहर के लोग फीस को लेकर परेशान हैं, आप इनके परेशानियों का हल तो निकालिए। इस्लामुद्दीन साहब वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे वक्त देंगे एक मिनट का तो मैं आपको पूरी बातें एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा था। इस तरीके से जिस तरीके से अब्दुल्ला खान सर ने किया, इस तरीके से जितने भी मुमरा कौसा में स्कूल और कॉलेज हैं वो भी इस पे ध्यान दें। और मैं अगर साफ कहूँगा आपके माध्यम से तो मैं उन स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को ये कहना चाहता हूँ, डोनेशन लेना बंद करो वरना आपके साथ भी स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। आज आपको मालूम होना चाहिए हमने बस का स्टिंग ऑपरेशन किया है, हम परिवहन समिति के सदस्य भी हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते, इस शहर का समाज सेवक होने के नाते मैं इन स्कूल और कॉलेज के लोगों को एक बात का साफ मैसेज देना चाहता हूं, डोनेशन लेना बंद करो वरना आपके साथ भी वही होगा जो आज बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ हुआ है, सीधा सीधा आपका भी स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। अगरचे आप अपनी लाइन से बाज नहीं आए, मैं किसी स्कूल कॉलेज का नाम लेके कहना नहीं चाहता, शमीम भाई, लेकिन, शमीम भाई, लेकिन वो स्कूल कॉलेज के लोग मेरी बात महीने की जो फीस है, सुनिए जरा सुनिए, तीन महीने की जो फीस है इसको आप माफ करा सकते हैं। देखिए इस्लामुद्दीन साहब कर सकते हैं, इस्लामुद्दीन साहब आप मेरी बात को सुनिए, मैंने मेरे मंत्री मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से इसके बारे में चर्चा की है, वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए समीप भाई, क्योंकि आप सर एक मिनट दीजिए मुझे, मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, अल्लाह ने चाहा तो वहां से जरूर, हमारा नेता इतना पावरफुल है, हमारा नेता जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उसको हर एक के दर्द का एहसास है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब बात करके कम कराएंगे जरूर, ये मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल और कॉलेज के लोग हैं ये कहते हैं कि हाँ हम एजुकेशन देने के लिए, तालीम देने के लिए बच्चों को हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं, लेकिन हम उनसे कहना है, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि ये महामारी के पहले आपने बहुत पैसे कमाए स्कूल और कॉलेज से, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन देते हैं, आप एजुकेशन के साथ साथ में ये विद्यत भी करते हैं, पढ़ाई का बच्चों की फीस भी लेते हैं। जब लोगों के हालात अच्छे थे तो आपको लोगों ने वक्त से पेमेंट पे किया, आपको फीस पे किया, आपको डोनेशन भी दिया, लेकिन आज की जो महामारी की हालात है उस हालात को देखते हुए आपको शर्म आना चाहिए कि आप एक गरीब बहन से कहते हो कि हमें डोनेशन दो 25,000 रुपए, उसके बाद बच्चे का एडमिशन होगा। आप, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, सुनिए बात सुनिए समीम भाई, आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। जी चालू है काम, काम चालू है, स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपको प्रूफ के तौर पर रिजल्ट भी चाहिए बच्चों का, और स्कूल कह रहे हैं फीस नहीं जमा करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी इस योजना का कैसे लोग फायदा उठाएंगे? इसके लिए मैंने कैसे लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा लोगों को तो कैसे आएंगे आप? सर मैं वही कहना चाहता हूँ, इसके लिए स्कूल और कॉलेज से मैं विनती करता हूँ कि जो हम लोगों ने स्कीम का काम, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का काम चालू किया है, मैं वो उसके तहत आप उन बच्चों का रिजल्ट दो, नहीं तो वो इस स्कीम से महरूम रह जाएंगे। और अगर चे कोई पेरेंट आकर के हमारे ऑफिस पे इसकी शिकायत दर्ज कराता है तो मैं एकदम साफ कहना चाहता हूँ
कि हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, हमारे मंत्री जी के द्वारा, और बात करके उस स्कूल और कॉलेज को भी माफ नहीं किया जाएगा। जी लास्ट सवाल समीम भाई आपसे कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होगा आपके पार्टी के तरफ से, क्या जिस तरह से मुमरा कौसा के लोग फीस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो इस पर लास्ट जवाब आप दीजिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, किस तरह का आप इस पर फैसला ला सकते हैं? मेरी प्रतिक्रिया इस पर यही है इस्लामुद्दीन साहब कि जो आज हालात है शहर के, हिंदुस्तान की जो हालात है, गरीबी और महामारी की हालत में लोग परेशान हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ उन स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को, उन स्कूल और कॉलेज के ओनर्स को कि सर अब तक आपने डोनेशन भी लिया, अब तक आपको लोगों ने वक्त से फीस भी पे किया, लेकिन अगर वाकई में कोई मुस्तहिक है, कोई परेशानी की हालात में है, तो आप उनकी मदद करें। जिस तरीके से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हसदुल्ला खान सर साहब को कि उन्होंने एक बहन के साथ मदद की मेरे कॉल के ऊपर, इस तरीके से आप भी अपने कॉलेज और स्कूल के अंदर उन गरीबों के साथ मदद करें, उनकी हेल्प करें, अल्लाह ताला इसका जज़ा खैर भी देगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और उन पेरेंट्स को परेशान करेंगे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये पूरी संगठन, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद प्रांत पे साहब, नजीमुल्ला साहब के नेतृत्व में मैं और शानू पठान और हमारे तमाम साथी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम लोग उन स्कूल में जाएंगे जहाँ पे इस तरीके की धांधलीबाजी की जाती है, जहाँ पे सुनवाई नहीं की जाती है। हम जा करके उनके साथ में बात करेंगे और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ताई वर्षा गायकवाड़ जी से भी ये डेलीगेशन जा करके माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के साथ मुलाकात करके आपके स्कूल की कंप्लेंट करेगा और आपकी शिकायत दर्ज कराएगा और ये मांग करेगा कि ऐसे स्कूल और कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, जो फीस को लेकर हमसे चर्चा कर रहे थे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।